लाहौर के नवाही इलाके में एक घर वाकया है जो कि हाल में ही खाली किया गया। इलाके मकीनों के मुताबिक जहां पर आसेब ने खुद को जाहिर किया। लोगों के मुताबिक इस गैर मरी मखलूक का ताल्लुक कहीं ना कहीं उस ग्राउंड से है जो उस घर के करीब वाकया है। टीम आसेब जदा ने वहां उस ग्राउंड को भी इस तहकीक का हिस्सा बनाया और मालूम करने की कोशिश की कि असल में मामला क्या है, वहां क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरान, मेरा नाम है। आज से मुझे यहाँ पे रहते हुए 12 साल हो गए। मैं 7 ईयर्स का था जब मैं यहाँ पे इधर फहद भाई के पास आता था पेंटिंग सीखने। तो अक्सर अवकात इस घर में काफ़ी अजीब एक्टिविटीज़ लाइक बर्तन टूट जाते थे खुद बखुद। इस तरह फील होता था जिस तरह कोई गुजर गया पास से। लेकिन आंटी से ज़्यादा पूछना, आंटी इस घर में इस तरह क्या है, तो वो इग्नोर करती थी बात को जिस तरह कुछ नहीं। तो इधर एक अंकल हमें मिले थे जिन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक मर्डर हुआ था आंटी का ग्राउंड में। तो वो इस जगह पे वो चीज़ ज़्यादातर सारे को मोहल्ले में डिस्टर्ब कर रही है, सारे मोहल्ले वाले चीज़ से तंग हैं। तो एक दिन मैं इधर आया तो इस तरह टूटने फूटने की बातें आ रही हैं। तो घर वाले ना ही शिफ्ट कर रहे थे यहाँ से। उनसे मैंने पूछा कि यहाँ क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे नहीं रहना चाहते इस घर में। पीछे बैक साइड पर जो रूम है ना, वहाँ पर ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक दफ़ा, दो तीन दफ़ा तो इस तरह भी फील होता है जिस तरह कोई नाम से बुला रहा हो बार बार, इस घर के पास से गुजरो, यहाँ पर जाता हो। खासतौर पर मेरी जहाँ पर ज़्यादा अटैचमेंट थी भाई फहद भाई के साथ। तो जब से वो गए हैं उसके बाद इस घर में मैं खुद भी आना ना, मैं आता हूँ ना, मैं पसंद करता हूँ। मुझे यहाँ पर 3 से 4 साल हो गए हैं। ये ग्राउंड में काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी गई है। यहाँ पर एक औरत का कत्ल हुआ था, काफ़ी देर हो गई उस बार। यहाँ पर जाने से हर कोई डरता है, यहाँ पर रात को कोई नहीं जाता। हम भी क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ पर मेरा बचपन यहाँ पर गुजरा, हम इस ग्राउंड के अंदर एंटर नहीं होते रात को। हमने एक दफ़ा देखी है, मेरा दोस्त था फिलहाल मेरे साथ, हमने एक चीज़ देखी है। हम बैठे हुए थे और हमारे सामने से कुछ चीज़ गुजरी। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बगैर मसेब ज़दा, मैं हूँ मुशारिफ फारूकी। और मैं हूँ नजफ राजा। नाज़रीन, आज हम लाहौर के इलाके में एक मौजूद एक घर में मौजूद हैं जहाँ की पुरसरार कहानियाँ हमें यहाँ खींच लाएं। और वो कहानियाँ ये हैं कि यहाँ पे एक पेंटर नजफ रहा करते थे और कुछ ही अरसे बाद उनको ये घर छोड़ना पड़ा। और अगर उसकी वजूहत की तरफ जाएँ तो वो ये कहते थे कि उनकी चीज़ों का यहाँ से गायब हो जाना, पेंटिंग का खुद बन जाना नजफ, और अब वो इस घर में नहीं रहते। और बिल्कुल मुशारिफ, इस जगह के साथ एक और जगह एसोसिएट है और वो है ग्राउंड। उस ग्राउंड में कहा ये जाता है, उनके कहने के मुताबिक उस ग्राउंड में जो भी चीज़ है वो पूरे मोहल्ले में सर्कुलेट करती है। और कहीं ना कहीं ज़्यादा विक्टिम ये घर बना है, ज़्यादा असर इस घर पे आया और उन पे इफेक्ट किया गया है। तो बगैर वक्त आए कि मुशारिफ, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज करते हैं। और ये मैं ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान। अभी ये है कि इस लोकेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये आप देख सकते हो कि चीज़ें यहाँ पे ही मौजूद हैं, उनका सामान है जो वो यहाँ से ले कर नहीं गए। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली उन्होंने ये छोड़ा है, अभी वो शिफ्टिंग भी नहीं कर सके नाजर। ये अभी तक आप देख सकते हैं कि ये सारा सामान यहाँ पर है। हम थोड़ा सा जगह को आपको दिखा दें, देन उसके बाद बेहतर इन्वेस्टिगेशन। ये नजर देखो, सारी चीज़ें इधर की इधर मौजूद है। और आप देख सकते हैं स्लिपर्स भी इधर ही हैं, कुछ भी नहीं हिला मुशारिफ, सब यहाँ पर है। ये थोड़ा इधर ही गई है, मट्टी भी गई है, मट्टी की तरह आगे ही ये देखो। अच्छा, हम ये में फ़ोन कर रहे हैं, अभी ऐसा कोई रीडिंग नहीं है, थोड़ा सा वो पीछे एरिया दिख जाइएगा लाइट की। देख 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 क्या कोई चीज यहाँ पे है। ये पीछे एकदम खामोशी हो गई है, बहुत सादा सादा खामोशी हो गई है। ईएमएफ भी हमें रीडिंग में दे रहा है। नाजिम, इर्द गिर्द आबादी है नजर, लेकिन डाउटफुल है।
अभी रात का काफी टाइम हो गया है। क्योंकि मुशायरे वही चीज़ पूरे मोहल्ले में सांकटे लोग रहते तो यहाँ पे ज़रूर हैं, लेकिन खौफ ज़्यादा हैं इन चीज़ों से, वो डरे हुए हैं जो कि जिसका सामना वो जो भी चीज़ है वो उस ग्राउंड से यहाँ से अटैच्ड है और वो पूरे मोहल्ले में मिलती है। और यहाँ उन्होंने हमें ये शिकायत की कि आप आकर देखें कि अभी हम ये नहीं कह सकते वो चीज़ यहाँ पर ही है, हो सकता है वहाँ पर जाएंगे जब वहाँ पर होगी। तो अभी शुरू किया, हम देखते हैं कि क्या है। क्या अपने होने का कोई एहसास दिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? ये एक आगे आ चुके हैं। क्या ये आपने किए? ऐसे फील हुए नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या बगैर नुकसान पे दोबारा सांस ला सकते हैं? अच्छा, कमाल बात ये मुशारे, रीडिंग नहीं हमें मिल रही, रीडिंग नहीं आ, रीडिंग नहीं हमें मिल रही, लेकिन कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं यहाँ पर और उम्मीद है साउंड भी रिकॉर्ड हो रही होगी। कौन है? यार यहाँ से दूर हैं, लेकिन कुछ किसी की बकायदा बोलने की आवाज़ें हैं, महसूस हो रहा है हमारे अलावा भी यहाँ पर कुछ हो सकता है, वो बिल्ली शिल्ली हो, लेकिन अभी खामोशी सी है। ये अगर थोड़ा सा ऊपर से दिखाइए, ये शाखें निकल रही है, बहुत कम कमरे यहाँ पे मौजूद हैं। उस तो अच्छा मुशायरे, उनका सामान यहाँ पे नज़र पड़े जिसकी वजह से हम उन्हें अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी पहुँच होगी हम वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन गौर करना, क्या आप हमारे आस पास हैं तो बुजुर्गी के साथ जा सकते हैं? कौन है? बगैर नुकसान मुझे अपने होने का सांस दिला सकते हैं? ये कोई रो रहा है, ये आई थिंक रिकॉर्ड हो रही होगी। क्या हमसे बात कर सकते हैं आप? अगर आप यहाँ पे हैं क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? कुछ चीज़ गिरा कर हिला कर अपने होने का सांस दिलाइए बगैर नुकसान पहुँचाए। कैमरा मान साइलेंस हो गया एकदम, ऐसी आवाज आई है जैसे कोई चीज औरत या कोई दर्द में हो रही हो। उसमें शायद एक बात और तलब है कि ऐसा अचानक क्या हुआ है यहाँ पे कि वो अपना सारा सामान छोड़ के यहाँ से चलेंगे? यहाँ पे हर चीज वैसी की वैसी है, कुछ भी नहीं लेकर गए। बुजुर्ग आदमी है और उन्होंने ज्यादा बात भी नहीं हमसे कही, हमने सिर्फ कॉन्टेक्ट किया कि यहाँ पे आकर देखो उनकी प्रॉपर्टी। और वो दिखाएं, वो सामने दिखाएं, ये पता, ये दिखाएं, दिखाएं की प्रॉपर्टी। और वो दिखाएं, वो सामने दिखाएं, ये पता, ये दिखाएं, दिखाएं।
ये देखें किसने लगाई, ये देखें 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 लाइट दिखाएं, लाइट लाइट है। ये अचानक हिली है, ये अचानक हिली है, ये दिखाएं। देखें हमें मालूम है कि आप यहाँ पे ही हैं, क्या और मौजूदगी दिला सकते हैं? ये अच्छा, अभी काम करते हैं इसकी जो बाकी जगह वो देख लेते हैं एक बार, फिर थोड़ा सा स्प्लिट होते हैं, फिर उस जगह को देख लेते हैं। ठीक है, आइए इसके थोड़ा सा और पोर्शन है नाज़रीन को हम देखते हैं, फिर उसके बाद आगे इसको बेहतर इन्वेस्टिगेट करते हैं। बिल्कुल, ये देखें कितने जाले लगे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा तो ये नजर ध्यान से, जी जी बिल्कुल, उफ अल्लाह, ये कैप्चर कीजिए, ये दिखाइए किस कदर जाले लगे हुए हैं पूरी दीवार के साथ। यहाँ पे भी दिखाइए, सारे अपना सारा सामान इधर ही छोड़ के गए। अच्छा ये नाज़िम थोड़ा सा ये पीछे दिखाइएगा जरा, ऐसा कोई यहाँ रेडी नहीं है। प्रीव्यू आइए सर, देख काफी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, पुराने जमाने की ये बनी हुई जगह, और ये देखिए वो यहाँ से अंदाजा लगाएं कितनी देर से ये बंद है और किसी इंसान का यहाँ पे ऊपर उनका एक कमरा है जहाँ पे वो आया करते थे अपनी पेंटिंग बनाने के लिए, उस कमरे में कुछ मसला रहा है, और मगर ये अब देखिए उनका कहीं भी, और वो इस घर में अकेला रहते थे, एक मुलाजिम था और वो खुद थे। थोड़ा सा अगर आगे आइएगा मगर ये दिखाएं, ये अब जाले दिखाइएगा, देख सकते हैं किस तरह मिट्टी से भरी हुई चीजें। ये एक बैग है जिसको अंदर कुछ सामान है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, इस बैग के अंदर कुछ सामान है लेकिन मिट्टी है हर चीज पर। वही मुशारे पर बात कर रहे थे कि बैग के अंदर सामान मौजूद है लेकिन उसके ऊपर आप मिट्टी चेक कर रहे हैं, जाले देखें, मतलब हर चीज वैसे के वैसे है। पर ये सामने क्या कुछ स्टोर रूम लग रहा है सामने, और बहुत अंधेरा है अंदर। अच्छा नाज़रीन, ये सारा पेंटिंग से रिलेटेड सामान, स्केलिंग का पड़ा हुआ है, पेंटिंग का सामान, ड्रॉअर है, कुछ बुक्स वगैरह, फाइल्स वगैरह यहाँ पर। ओहो, ये पूरी एक लाइब्रेरी है, कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है, कबर्ड्स हैं।
करके दिखाइए। ये इंसान, ये जिस तरह के आपको बताया जो यहाँ रहते थे, वो एक मेकअप आर्टिस्ट थे, वो एक सॉरी पेंटर थे, और उन्होंने ये खुद बनाया। और इसकी शक्ल कितनी खौफनाक है, किस कदर खौफनाक है, देखकर इसको वहशत का एलिमेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा। क्या कोई यहाँ मौजूद है? कैमरे के सामने आ सकते हैं आप बगैर नुकसान पहुँचाए? रीडिंग अभी नहीं हमें मिल रही है, लेकिन इस कमरे में गर्मी बहुत है। कुछ फाइल्स वगैरह पड़ी हुई है, ये पूरी एक लाइब्रेरी है नाज़रीन। प्रीव्यू। इसको ज़्यादा छेड़ना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इस क्या कोई यहाँ मौजूद है? अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं आप बगैर नुकसान पहुँचाए? गर्मी के दिल घबरा रहे हैं यहाँ पर। प्रीव्यू। जी रीडिंग नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पे। ये देख सकते हैं छत, ये कौन आवाजें कैप्चर हो रही हैं, देख के देख के पीछे देख के पीछे देख। आओ नीचे चलते हैं, यहाँ पे अभी तक EMF डेड है नाज़िर, कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान से मुझे नजफ के पास होते हैं। नजफ जी मुशारत, इस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है और हब है कि आपसे ना यहाँ पे स्टे नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और मैं आपको यहाँ पे सबसे एक अजीब सी चीज़ दिखाने लगी हूँ, जो जिसको देख के मुझे एक खौफ का अंदाज़ा हुआ है। ये देखिए, और इस जो ये फेस बना हुआ है उसकी आप आंख देख सकते हैं, एक आंख नहीं है उस फेस की, आंख नहीं है। इतना खौफ, मतलब वहशत का मंजर ये एक जो स्कल्पचर है पेश कर रहा है। बहुत ध्यान से मुशारत। प्रीव्यू। सब ठीक है? आइए। इसके अंदर एक लव ऊपर, ओह माय गॉड, जी नजर आगे देखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे नाज़िम ये उनका रूम था जहाँ पे ये बैठा करते थे, इनकी चीज़ें यहाँ पे ही अभी तक।
और बहुत गर्मी है, आप हमारे आप हालत दे सकते हैं? बिल्कुल। और एक और रूम है वो देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ज़्यादा दिख रहे आगे कैसे बात चलाऊंगे, आप भी फॉलो कीजिए। EMS डेड है, मट्टी है, कई सालों से जिस तरह मट्टी पड़ी हुई है और किसी ने हाथ नहीं लगाया किसी चीज को। क्या कोई चीज है, कदर मट्टी है कि आप किसी चीज को हाथ लगाएंगे तो वहां पे इम्प्रेशन आ जाएगा आपकी उंगलियों का, इस कदर मट्टी है चीज। जी ही इज रिलेटेड टू पेंटिंग, वो मुझे वो देखिए वो भी बॉस दे देने वाली चीज है। एग्जैक्टली, और वो जहाँ पे रखी हुई है जैसे बंद करके उसको, एग्जैक्टली क्या चीज है, है ये ना सर, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, मतलब इतना ये पुरानी जगह है लेकिन ये झाड़ी बन गई है, वो फूल था। ये आप देख सकते हैं कि चीज ये ऑफ उनके अंदर, और जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, क्या बना हुआ है, क्या पोर्ट्रेट किया हुआ है, वायलेंस फाइट हो रही है, की हुआ जगह और बिना एक्सेस नहीं बन रहा। मैं ये दिखाना चाहूंगी अपने कैमरा में, क्या कोई चीज है यहाँ पे? खाली है, होने का सांस दिला सकते हैं, हम आपकी जगह पे आए हैं। कोई है? कौन है? सब ठीक है मुशारे? ये तो कोई आवाज है, ये इस कमरे की हर चीज को देखें। कौन है? तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह अकबर मुशारे, ये देखिए यार, हर चीज ऐसी जैसे कि जिंदा हो जाएगी या होती होगी। ये कैसा लगता है बंदे के माइंड में कि ये मुजस्मे हैं? मुजस्मे है नाज़िम, बोलते हुए मुजस्मे। हाँ। बोल रहे हैं। आप इस पेंटिंग को देखिए, उस बंदे के चेहरे पे गम है, कुछ कहना चाह रहे हैं पर ऐसा है कि वो चीज अभी डेड है और वो हमें ऐसा लगता है कि वो बोलती होगी। बिल्कुल, हर जगह हर चीज ऐसी है कि वो चीज एक जानदार चीज है। बस आगे आइएगा, ये कुछ चलने की आवाजें आ रही है। अस्तफरुल्ला, क्या हुआ? क्या हुआ? अस्तफरुल्ला, क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक है मुशारे? ये देखो, ये दिखाओ, दिखाओ, ये देखो ना किधर आ गए, क्या हुआ? ये कैप्चर किया, ये देखो यार, डील कैसे रहा है? नाज़िम, हवा का नाम और निशान नहीं है, सामने दिखाएं, खिड़की बंद है, हमारे बुरा हाल हो सीने से, ये किस तरह है? ये कैसे बोल रहे हो? मेरी आंख में भी एकदम से कुछ वजू नहीं, आपने बोला है ना। सर एक काम करते हैं, क्या करें, स्प्रिट यहाँ पे हो या ग्राउंड में चले? ग्राउंड चलते हैं। बिल्कुल, ये देखो अभी भी मूवमेंट हो रही है, सब स्प्रिट होते हैं और अब वो ग्राउंड को देखते हैं ना, हम जितना यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकें अभी फिलहाल। जगह छोटी है, हब्स है,
कुछ ऐसी हैपनिंग्स अभी फिलहाल हमारा ईएमएफ भी डेड है लेकिन हैपनिंग्स हो रही हैं और जो लोकेशन है वो बहुत हॉरर है, चीजें बहुत हो रही हैं, हवा का नामोनिशानी है, ऐसे मुजस्मे हैं कि उसकी आवाज आई है अजीब सी, ऐसी चीजें हैं जैसे कि वो उन्हें जान आएगी कुछ देर बाद और वो जिंदा हो जाएंगे, मुजस्मे हैं, खौफ दे देने वाली चीजें यहाँ पे हैं। अभी उस ग्राउंड की तरफ चलते हैं फिर इसको कंक्लूड करते हैं। अच्छा आओ नजर ग्राउंड को देखते हैं। जी नाज़रीन अभी हम उस पार्क में मौजूद हैं, इर्द गिर्द आबादी है जिससे पहले हमने बयान किया था, लेकिन इसके पार्क की जो कुछ सेंटर एरिया है वहाँ पे मसले हैं, आइए देखते हैं। अच्छा हम नज़र अब नाज़रीन ग्राउंड में आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मुशारिफ हम अपने नाज़रीन को बता दें कि ये जो ग्राउंड है इर्द गिर्द ट्रैफिक भी चल रही है, लोगों का भी गुजर बसर है, लेकिन हाँ रशी एरिया, लेकिन इस ग्राउंड को उसके साथ एसोसिएट किया जाता है कि जो चीज़ यहाँ पे सराउंडिंग में घूमती है या लोगों हाँ लोगों के घर जाती है तो वो कहीं ना कहीं इसका उसके साथ कनेक्शन है, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ ये जो पार्क है ये ग्राउंड जो है ये शाम की रोशनी से पहले यहाँ पे लोगों की आमदरफ्त होती है, बाद में ऐसा खौफ है यहाँ पे, ऐसे लोगों ने यहाँ पे गुजरते हुए चीज़ें देखी हैं जो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं देखने की अगर मिलती है हमें। आई गजल अच्छा ये अगर देखें ये थोड़ा सा दिखाईगा, अगर दरख्तों पे अगर लाइट मारें तो हर तरफ दरख्तों से लिपटा हुआ ये पार्क है, हर तरफ दरख्त और घने हैं दरख्त। हाँ और मुशायरे वैसे भी इन चीज़ों का बसेरा पेड़ों में ही होता है और पेड़ में ही ये रहते हैं। क्या कोई चीज़ है यहाँ पे सामने आ सकते हैं आप बगैर नुकसान पहुँचाए? अपने होने का सांस दिला सकते हैं? मूवमेंट हुई है ना? हाँ मूवमेंट हुई है। फिलहाल में हमें इस दरख्त के नीचे मुशारिफ नहीं बैठना चाहिए। है? मुशारिफ इस दरख्त के नीचे हमें नहीं बैठना चाहिए, मुझे मूवमेंट का प्रॉपर एहसास हुआ है। थोड़ा सा साइड पे हट जाते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं कि हम इस बात की दिखा सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए। जी देखिए नजर थोड़ा ये दिखाएं, इतना पुराने दरख्त हैं ये और आप तने इनके देख लें कितने चौड़े और भड़े हैं। क्या आप अपने होने का साथ ला सकते हैं अगर यहाँ पे कोई भी अल्लाह की मखलूक है? हम कुछ ही देर में यहाँ से चले जाएंगे। क्या कोई है? आप इधर ही रहते हैं? इधर कुछ कभी महसूस किया आपने? क्या हुआ था? क्या हुआ था वो चीज़ है, औरत है। किस जगह किस टाइम? हमने तो रात के 2 बजे देखी यहाँ पे, 1:30 बजे देखी है दिन आज। अच्छा कोई स्पेसिफिक दरख्त बता सकते हैं यहाँ पे? वो जो सामने चेयर के सामने वाला जिसके नीचे है वो दरमियान में है। चलो ये जो सामने बेंच है ये और कौन सा लंबा दरख्त लग रहा है नज़र हमारे साथ यहाँ के इलाके मकीन हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए देख के आए हैं और आपके सामने ही उन्होंने जो बताया। चलते हैं इस जगह। अच्छा मुशारिफ इलाके मकीन से हमारी बात हुई थी, वो कहते हैं वो जो सामने वाला दरख्त है
जिसके नीचे बेंच है नाज़रीन, वो सामने वाला दरख्त जिसके नीचे बेंच है, यहाँ पे अक्सर वाक़यात हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस दरख्त में कुछ है, उम्मीद है वो चीज़ कैप्चर हो। अस्सलाम वालेकुम, अगर यहाँ पे कोई भी अल्लाह की मखलूक है, हम अपना काम करने आए, कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। अगर आपके यहाँ पे बसेरा है, बगैर नुकसान पहुँचाए अपने होने का साहस दिला सकते हैं? देखिए यहाँ पे अगर अल्लाह की मखलूक है तो हमें होने का साहस दिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुँचाए? अच्छा, ये थोड़ी सी जगह। अच्छा, यहाँ पे खबर हमें इलाके मकीन वालों ने ये बताया कि यहाँ पे कोई लड़की की कब्र यहाँ पे उसको दफन किया गया है। आई डोंट नो वो कहाँ है, लेकिन उसी वजह से यहाँ मामला है, वही लड़कियाँ घूम फिरती हैं। तो आओ जरा। रीडिंग हमें एसएस नहीं मिल रही। बिल्कुल रीडिंग नहीं मिल रही। क्या कोई चीज है यहाँ पे? कहीं दर्दों के लिए अपने होने का साहस दिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? नजर ऐसा है कि अभी यहाँ पे कोई ऐसी हैपनिंग नहीं हो रही नजर। बिल्कुल। और सब कुछ अभी जरा नॉर्मल लग रहा है, तो अभी अब इसका कंक्लूड करते हैं, अब वहाँ चलते हैं वापस और फिर देखते हैं क्या ऐसी। ठीक। अच्छा, तो ऐसे वैसे इतना नहीं मिल सकता, कुछ इतनी हैपनिंग ऐसे ज्यादा नहीं थी। अभी ये है कि ये वो जो पोर्शन है जहाँ पे मामला रहे हैं, जगह भी पूरे अभी ऐसा हमने जितना इन्वेस्टिगेशन किया वो आपके सामने है। हम लोगों ने यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन की वो भी आप लोगों ने देखी। ग्राउंड में ऐसा इतना नजर हमें हैपनिंग्स नहीं मिली, लेकिन थोड़ा बहुत और मामला वहाँ पे खराब थे, पता चल रहा था कि वो चीज वहाँ पे रूट जो है रूट कॉज वहीं पर है, यहाँ पे विक्टिम बना। और इलाके में किनों से जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने यही बताया कि वहाँ पे किसी लड़की को दफन किया गया था, कत्ल किया गया था, और कहा ये भी जाता है उनके मुताबिक कि वही लड़की की रूह है, वही भटक रही है, लोगों को तंग कर रही है, कहीं ना कहीं किसी को टारगेट कर लेती, किसी को नहीं करती, मतलब वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर पे गए हैं, हल्की की हैपनिंग नहीं है, खासतौर पर इस जगह पे ज्यादा हैपनिंग नहीं है। तो जो आज इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने की वो आपके सामने है, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपके में कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे आप समझते हैं कि वो हॉन्टेड है, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही होंगी। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फारूकी और नजफ राजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।